क्या रवि अश्विन नहीं करते अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट? क्यों बोली पूर्व क्रिकेटर ने अश्विन के बारे में ऐसी बातें? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच पांचवे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। रवि अश्विन के लिए ये टेस्ट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये टेस्ट अश्विन के करियर का 100वां टेस्ट मैच है। आपको बता दें, रवि अश्विन 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें भारतीय खिलाड़ी है। पहले दिन के खेल से पहले रवि अश्विन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने अश्विन को 100वीं टेस्ट कैप भी दी। लेकिन मैच से पहले भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवराम किशन ने अश्विन पर बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। स्पिनर लक्ष्मण ने एक्स पर ट्वीट करके ये बताया कि अश्विन ने उनके फोन कॉल्स कट किए और उनके मैसेजेस का भी कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अश्विन को 100वें टेस्ट की शुभकामनाएं देने के लिए कई बार फोन कॉल करने की कोशिश की, मगर अश्विन मेरे फोन कॉल्स कट कर दिए। यहां तक कि मैसेज भी किया लेकिन अश्विन ने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्या यही सम्मान मिलता है हम पूर्व क्रिकेटर्स को? लेकिन इस ट्वीट के जवाब में फैंस काफी नाराज नजर आए। फैंस ने शिवराम किशन के पुराने ट्वीट्स निकाल डाले जिसमें शिवराम किशन ने कई बार अश्विन की आलोचना की है। यहाँ तक कि अश्विन को वो कई बार मतलबी भी बोल चुके हैं। शिवराम किशन ने फैंस के इस ट्वीट का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये कोई आलोचना नहीं, बस एक टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है। आप इस सलाह को बेइज्जती या क्राइम समझते हैं? क्या वाकई में आज के दौर के खिलाड़ी पुराने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर शिवराम किशन के अश्विन पर लगाए हुए आरोप गलत है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।